हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ स्टेक स्टेक का यूज कहां कहां-कहां पर होता है तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्टेक क्या होता है स्टेक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर का यूज करता है अर्थात वह डेटा आइटम जो सबसे लास्ट में इंसर्ट किया गया था उसे सबसे पहले रिमूव किया जाता है स्टेक की बहुत सारी एप्लीकेशन है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को आगे डिस्क्राइब किया गया है जिसमें से पहली है एक्सप्रेशन ईवेलुएशन एक्सप्रेशन ईवेलुएशन का मतलब होता है हमारी जो भी मैथामेटिकल एक्सप्रेशन है या अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है उन्हें प्रिफिक्स पोस्टफिक्स या इनफिक्स फॉर्म में इवेलुएट करना नेक्स्ट होता है एक्सप्रेशन कन्वर्जन एक्सप्रेशन कन्वर्जन अर्थात हमारी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है यह हमारी अरेथमेटिकल एक्सप्रेशन है इन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन को प्रिफेक्स पोस्टफिक्स और इनफेक्स फॉर्म में बिना इनके मीनिंग को चेंज किए एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना नेक्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन है यह है सिंटेक्स पार्सिंग अर्थात हमारे कंप्यूटर्स में जो कंपाइलर्स यूज किए जाते हैं ये कंपाइलर्स एक्सप्रेशन को या प्रोग्राम्स के ब्लॉक को कंपाइल करते समय या लो लेवल कोड में जनरेट करते समय पार्सिंग का यूज करते हैं जिसके लिए स्टेक का यूज किया जाता है अर्थात स्टेक का यूज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कंपाइलर्स के द्वारा पार्सिंग करने के लिए भी किया जाता है नेक्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन है यह है बैक ट्रैकिंग बैक ट्रैकिंग का मतलब होता है कि यदि हम मान लीजिए किसी मेज प्रॉब्लम को या भूल भुलैया को सॉल्व करना चाहते हैं और हम किसी पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट से एक रास्ते को चूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं मगर जैसे ही हम कुछ दूर आगे बढ़ते हैं हमें रियलाइज होता है कि हम गलत पाथ पर हैं और हमें वापस फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर के नेक्स्ट पाथ के ऊपर हमें आगे बढ़ना है तो यहां से हमें वापस जाने के लिए स्टेक का यूज करना होता है जिसे हम बैक ट्रैकिंग कहते हैं नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है पैरेंथिस चेकिंग पैरंथिस चेकिंग मतलब जब भी हम किसी एक्सप्रेशन का यूज करते हैं और उस एक्सप्रेशन के अंदर यदि ओपनिंग ब्रेसेस या क्लोजिंग ब्रेसेस का यूज किया गया है तो उन्हें प्रॉपर वे में ओपन किया गया है या क्लोज किया गया है या नहीं चेक करने के लिए स्टेक का यूज किया जाता है नेक्स्ट है स्ट्रिंग रिवर्सल स्टेक का यूज एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए भी किया जाता है जब भी हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक एक करके स्टैक में पुश करते हैं और इसके पश्चात के अंदर से हम लोग टॉप एलिमेंट को वन बाय वन पॉप करके रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग को प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट होता है फंक्शन कॉल स्टैक का उपयोग एक्टिव फंक्शन या सब रूटीन की जानकारी रखने के लिए भी किया जाता है कि किस फंक्शन के द्वारा कौन से फंक्शन को कॉल किया गया है इसे रिकर्सिवली कॉल किया गया है या नॉर्मली कॉल किया गया है इन इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए भी स्टेक का यूज किया जाता है अब हम बात करते हैं अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन की या नोटेशन की तो अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमारी होती है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होती है इन्हें लिखने का जो तरीका होता है इसे हम नोटेशन कहते हैं अर्थात एक्सप्रेशन के अर्थ या उसके आउटपुट को बदले बिना हम किस प्रकार से एल्थमेटिकल एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं यह नोटेशन कहलाता है इन नोटेशन को हम लोग तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं ये नोटेशन है इनफिक्स नोटेशन प्रिफिक्स नोटेशन और पोस्टफिक्स नोटेशन प्रिफिक्स नोटेशन को हम लोग पॉलिश नोटेशन के नाम से भी जानते हैं और पोस्टफिक्स नोटेशन को हम लोग रिवर्स पॉलिश नोटेशन के नाम से भी जानते हैं अब हम बात करते हैं इनफिक्स नोटेशन की तो इनफिक्स नोटेशन हम लोग शुरू से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग जिस प्रकार से को लिखते हैं वह एक्सप्रेशन इन में ही लिखी जाती है हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं अर्थात यदि ऑपरेटर जो हमारा होता है यह ऑपरेटर एक्सप्रेशन के बीच में उपस्थित होता है या इसके बीच में या मध्य में स्थित होता है तो इसे हम एक्सप्रेशन को इनफिक्स नोटेशन के रूप में जानते हैं अर्थात यहां पर हमारा एक सेंटेक्स दिया गया है इस सेंटेक्स के थ्रू हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमारा एक ऑपरेंट होता है उसके बाद में दूसरा ऑपरेंट और इन दोनों ऑपरेंट के बीच में यदि ऑपरेटर लगाया गया है तो इसे इनफेक्स नोटेशंस के रूप में जाना जाता है इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं जैसे हमारे पास में एक ऑपरेंट है ए और दूसरा ऑपरेंट है बी इस ए और बी के बीच में हम लोगों ने ऑपरेटर का यूज किया है तो यह कहलाएगा इनफेक्स नोटेशन एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं इनफेक्स नोटेशन का यहाँ पर हमारा ए प्लस बी लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर और उसके बाद में दूसरी जगह पर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है सी माइनस डी अर्थात ए प्लस बी और सी माइनस डी का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर किया गया है तो यहां पर जो ऑपरेशन है ये इनफेक्स नोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और बी को हम लोग सबसे पहले दोनों को एड करेंगे इसके बाद में सी और डी को हम लोग सब्टैक्ट करेंगे और इसके बाद में जो रिजल्ट्स आएंगे इन दोनों रिजल्ट्स को हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर देंगे अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ नोटेशन की अर्थात एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारे पास में तीन फॉर्म है इनफिक्स नोटेशन प्रिफिक्स नोटेशन और पोस्ट फिक्स नोटेशन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इनफिक्स नोटेशन नाम से ही क्लियर है यहाँ पर जो हमारे ऑपरेट्स होते हैं इन ऑपरेंट्स के बीच में ऑपरेटर का यूज किया जाता है जिसे इनफिक्स नोटेशन कहा जाता है तो ए प्लस बी जो लिखा हुआ है यह हमारा इनफिक्स नोटेशन है अगर हम इसे प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो प्रीफिक्स नोटेशन में सबसे पहले ऑपरेटर का यूज किया जाता है और उसके बाद में ऑपरेंट्स का यूज किया जाता है इसलिए हम सबसे पहले प्लस ऑपरेटर लिखेंगे और उसके बाद में ए और बी ऑपरेंट्स को लिखेंगे जो कि प्रीफिक्स नोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा इसके बाद में आता है पोस्टफिक्स नोटेशन तो पोस्टफिक्स नोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले ऑपरेंट्स को लिखा जाता है और ऑपरेंट को लिखने के बाद में ऑपरेटर्स को लगाया जाता है तो हमारे ए और बी जो है वो ऑपरेंट्स है और इन ऑपरेंट्स के ऊपर प्लस ऑपरेशन को परफॉर्म किया गया है जिसे हम लोगों ने लास्ट में लगाया है तो यह पोस्टफिक्स नोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम लोग और देख लेते हैं यहां पर ए और बी को हम लोगों ने एड किया है और इनका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम लोगों ने सी से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो यह इनफिक्स नोटेशन यहाँ पर हमें शो कर रहा है कि ए प्लस बी ब्रैकेट्स में लिखे गए हैं और उसके रिजल्ट का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने सी की सहायता से किया है इसी का अगर हम लोग प्रिफिक्स नोटेशन देखना चाहें तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी जो लिखा हुआ था इसका प्रिफिक्स फॉर्म हो जाएगा प्लस ए बी क्या हो जाएगा प्लस ए बी और इसके बाद में जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है इस मल्टीप्लीकेशन के साइन को हम प्रिफिक्स फॉर्म में मतलब पहले लेकर के आएंगे तो पहले लेकर के आएंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लग जाएगा और उसके बाद में सी लिखा जाएगा तो प्रिफिक्स नोटेशन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन प्लस ए बी सी इसके बाद में पोस्टफिक्स नोटेशन दिया हुआ है पोस्टफिक्स नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हमारे ऑपरेंट्स लिखते हैं और ऑपरेंट्स को लिखने के बाद में ऑपरेटर को लिखा जाता है अर्थात सबसे पहले हम ए प्लस बी जो हमारा इन्फिक्स नोटेशन में लिखा था इसको हम लोग पोस्टफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और पोस्टफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ए डी प्लस जो होगा ये इसका पोस्टफिक्स फॉर्म होगा इसके बाद में हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन करना है इसके रिजल्ट को सी के साथ में तो हम लोग सबसे पहले सी लिखेंगे और सी को लिखने के बाद में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे क्योंकि ये पोस्टफिक्स फॉर्म है अर्थात सी के बाद में मल्टीप्लीकेशन के साइन को लगाया जाएगा जो इसके पोस्टफिक्स नोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा इसी प्रकार से आगे और भी बहुत सारी एक्सप्रेशन दी गई है जो इनफिक्स नोटेशन के प्रीफिक्स नोटेशन और पोस्टफिक्स नोटेशन के कन्वर्जन को रिप्रेजेंट करती है या शो करती है। अब हम बात करते हैं रिकर्शन की रिकर्शन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है या एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई फंक्शन अपने आप को ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कॉल करता है रिकर्शन कहलाता है अर्थात फंक्शन अपनी ही बॉडी में अपने आप को ही कॉल कर लेता है तो यह प्रोसेस रिकर्शन कहलाती है ऐसे फंक्शंस जो अपने आप को ही कॉल करते हैं उन्हें रिकर्सिव फंक्शंस कहते हैं रिकर्शन का यूज इटरेशन प्रॉब्लम को रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करने के लिए किया जाता है रिकर्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो लूप की तरह कार्य करता है और हम इसके द्वारा इनफाइनाइट लूप को भी प्राप्त कर सकते हैं अर्थात जब हम फंक्शन के अंदर ही अपने आप को कॉल करवाते हैं या फंक्शन की बॉडी में ही फंक्शन की बॉडी खुद को कॉल करती है या उसी फंक्शन को कॉल करती है तो यहाँ पर एक इनफाइनाइट लूप बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं या यह फंक्शन लूप की तरह ही कार्य करता है तो इन्हें मैनेज करने के लिए रिकर्सी फंक्शन में इनफाइनाइट लूप से बचने के लिए दो प्रॉपर्टीज होती है पहली है बेस क्राइटेरिया हमारे पास में कम से कम एक बेस क्राइटेरिया या एक कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि जब हम कंडीशंस को सेटिस्फाई हो जाती है या यह कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फंक्शंस अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करना बंद कर देता है अर्थात जैसे ही हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं हमारा प्रोग्राम यहां से वैल्यू को रिटर्न करके बाहर निकल जाता है और दूसरा होता है प्रोग्रेसिव अप्रोच अर्थात रिकर्सिव कॉल को इस तरह से प्रोग्रेस करना चाहिए कि हर एक बार जब हम फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करते हैं तो यह बेस क्राइटेरिया के और अधिक करीब आ जाना चाहिए रिकर्सिव फंक्शन टास्क को सब टास्क में डिवाइड करके कार्य करता है और फंक्शन में एक टर्मिनेशन कंडीशंस को डिफाइन करता है जो कुछ स्पेसिफिक सब टास्क को स्पेसिफाई करता है और इसके बाद में रिकर्शन रुक जाता है और फाइनल रिजल्ट फंक्शंस को प्राप्त हो जाता है अर्थात हमारे पास में जब भी हम फंक्शंस का यूज करते हैं खासतौर पर रिकर्शन वाले फंक्शंस का तो हमारे पास में एक बेस क्राइटेरिया होना चाहिए और जब इस बेस क्राइटेरिया को यह कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है तो हमारे प्रोग्राम में रिकर्सिवली फंक्शन की कॉलिंग रुक जाती है और यहां से यह वैल्यू को रिटर्न कर देता है और हम प्रोग्राम के रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है फैक्टोरियल का प्रोग्राम फैक्टोरियल हम लोगों ने देखा था फैक्टोरियल में हम फंक्शन को लिए रिकर्शन का यूज करते हैं यहां पर हम लोगों ने एक फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर हम लोगों ने एन को पास किया है एन कोई एक नंबर हो सकता है जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है और हम सबसे पहले अब यहाँ पे बेस क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं बेस क्राइटेरिया हम लोगों ने डिफाइन किया है कि एन की वैल्यू जो है वो वन से छोटी नहीं होनी चाहिए और अगर वन के बराबर भी होती है तो यहां से ये फंक्शन वैल्यू को वन रिटर्न कर देना चाहिए तो ये बेस क्राइटेरिया है कि फंक्शंस में एन की वैल्यू वन से छोटी नहीं होनी चाहिए या वन के बराबर भी हो जाए तो ये वहां से वन को रिटर्न कर दे इस बेस क्राइटेरिया को जैसे ही किया जाएगा जाएगा हमारे प्रोग्राम का रिकर्सिवली कॉल रुक जाएगा। इसके बाद में हम लोगों ने एल्स कंडीशन में जाकर के इसी की बॉडी में फंक्शन की बॉडी में ही फंक्शन को ही कॉल कर दिया है यहां पे हम लोगों ने लिखा है एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन इस फैक्ट नाम के फंक्शन के अंदर एन माइनस वन को पास किया और एन माइनस वन को पास करके हम लोगों ने फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर लिया अब ये फिर से बेस क्राइटेरिया को चेक करेगा बेस क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये फिर से अपने आप को कॉल करता चला जाएगा तो इस प्रकार से रिकर्शन पर चलेगा इसी को हम प्रोग्रेसिव अप्रोच भी कहते हैं अर्थात प्रोग्रेसिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि जब भी यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो प्रोग्राम जब नेक्स्ट फॉर्म के लिए जाता है तो यह बेस क्राइटेरिया के और अधिक करीब होना चाहिए तो यह कंप्लीट प्रोसेस जो होती है यह रिकर्शन कहलाती है Thank you so much for your.